आपका स्वागत है राधा देश में। मेरे पीछे आप जो कैसल देख रहे हैं वहाँ पे इस्कॉन मंदिर है और ये डर्बी में लोकेटेड है। डर्बी वर्ल्ड में सबसे छोटा शहर है और इस छोटे शहर में ये खूबसूरत सा कैसल है। और एक झलक आप देखिए कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बारवो। अगर आपको डर्बी जाना है कभी तो आपको बारवो तक जाना पड़ेगा और बारवो से आप फिर डर्बी जा सकते हैं। तो हम लोग का आज का प्लान है कि हम लोग राधा देश जाएंगे और राधा देश यहाँ का इस्कॉन है और थोड़ा एंजॉय करेंगे वहाँ पे पीसफुल माहौल। और अगर लकी हैं तो प्रसाद एंजॉय करेंगे। तो ये अभी हम लोग का प्लान है। तो अभी कैसा सीन हुआ है कि बोमल से बारवो तक का ट्रेन रहता है, बट अभी ट्रेन लाइंस में कुछ काम चल रहा है जिस कारण से ये लोग अभी बोमल स्टेशन से बारवो तक का बस फैसिलिटी देंगे हम लोगों को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस लेने के लिए। तो जब आप आते हैं तो थोड़ा चेक कीजिएगा कि बस का फ्रीक्वेंसी कैसा है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है। तो जब है तब पकड़ के निकल लेना चाहिए। आपको बोला था ना उसे कुछ डीप ब्रू या करके कुछ, तो लोकल टैक्सी वाला है वो बोल रहा था। हाँ, तो लोकल टैक्सी वाले को मैंने मैसेज किया था, उसका कुछ रिप्लाई तो नहीं आया। उसका फोन नंबर है क्या? हाँ फोन नंबर है, बात करते हैं ना। हाँ उसका नंबर कैनवी। थैंक यू। तो ये बस हम लोग को लेके जाएगी बारवो और बारवो से हम लोग कोशिश कर रहे हैं टैक्सी बुलाने का और वहाँ से हम लोग ट्रैवल करेंगे राधा देश। तो हरे कृष्णा। तो हम लोग बारवो पहुँच गए हैं। हार्डली 10 मिनट्स लगा हम लोग को पहुँचने में और यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा चेक करेंगे कि राधा देश कैसे पहुँचे। तो राधा देश पे कॉल करने से पता चला कि हम लोग उनका व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, बट उनका जो व्हीकल टू एंड फ्रो हम लोग को स्टेशन ड्रॉप करेगा वो बस 4 जन के लिए है और हम लोग 5 जन हैं। तो वो हम लोग को मना किया और बोला कि वहाँ कोई लोकल टैक्सी से पूछने के लिए। तो बेसिकली अभी हम लोग देख रहे हैं कोई लोकल टैक्सी वाला जो हम लोग को राधा देश तक ले जा सके। चलो हम लोग जाते हैं पहले आप आना। तो ये कार हम लोग को राधा देश ने भेजा है वहाँ जाने के लिए। Thank you.
इस्कॉन की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी बाय स्वामी प्रभुपदा, और इसका मेन बिलीफ हिंदू भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित है, और ये मेनली गॉड वैष्णव ट्रेडिशन को मानते हैं। और बाकी राधा देश के बारे में सारा डिटेल्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक को ज़रूर चेक करें। और यहाँ पे इस्कॉन के द्वारा गेस्ट हाउस भी प्रोवाइडेड है, अगर आप एक दिन आकर स्टे करना चाहते हैं और यहाँ का लुफ्त उठाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। प्रसादम लेने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक टाइम तक ही प्रसादम मिलता है, तो आप अगर डिवोटी प्रसादम लेना चाहेंगे तो आपको डोनेशन देना पड़ेगा और आप प्रसादम ले सकते हैं। तो बहुत एक्साइटेड है प्रसादम के लिए। तो बाहर एक कबर्ड है और वहाँ से आप अपना प्लेट्स ले सकते हैं, ग्लासेस ले सकते हैं। ये मेरा प्रसादम का थाली है। हरे कृष्णा। तो ये सब हम लोग को खाने के लिए मिला है प्रसाद में, पुलाव, महाप्रसादम, ये दाल का कुछ स्पेशल वैरायटी है, ये बीन्स और कैबेज, ये बीन्स, ये कुछ दाल और सैलड है, और ये भी कुछ सैलड टाइप फ्रूट सैलड है। तो खाते हैं इस, ये बहुत टेम्प्टिंग है और मेरे को सबसे ज़्यादा मन था कि ये प्रसाद तो मिल ही जाए आज इसको ना रहे हैं। तो थैंक यू भगवान, खाते हैं। खाने पता मुंह में घुल जा रहा है। पानी पी दिया, भक्ति वेदांत लाइब्रेरी है ये, कंप्लीट टीचिंग्स ऑफ श्रीला प्रभुपदा। बहुत अच्छे वनीच, मिस ओह।
रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भी आप लोग प्रसादम ले सकते हो। 16 यूरो बताया गया था हमें कॉस्ट। और ये है बुटीक,